चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ बोला यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 विद द करस्पॉन्डिंग फिगर ऑन 31 दिसंबर 2021। तो हम लोग के पास करस्पॉन्डिंग फिगर 2021 का और प्लस में दिसंबर 2021 का और 31 मार्च 2022 का हम लोग को दोनों फिगर के साथ बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया और प्लस में हमको जनरेटिव भी सम्स में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्या दे रखा हुआ हम लोग के पास सम्स में, क्या क्या गिवन है। इसमें बोला द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 इंटर आलिया इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या बोला है, फर्स्ट नंबर पे 50,008% प्रेफरेंस ऑफ ₹100 पेड अप, जो कितने का है 35 लाख का। तो देखिए हम लोग के पास यहाँ पे पार्टली पेड अप प्रेफरेंस है जो 70 पेड अप ही है, तो हम लोग के पास 30 यहाँ पे अनपेड है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी जिसका भी हम लोग को रिडेम्पशन करना होता है, तो रिडेम्पशन करने से पहले हम लोग उसे क्या करते हैं, फुल्ली पेड अप करते हैं और उसके बाद हम लोग रिडीम करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर पार्टली पेड अप शेयर होगा तो उस टाइम में हम लोग उसे फुल्ली पेड अप करेंगे और उसके बाद हम लोग उसे रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसे अगर आप लोग लिखना चाहोगे बुक के ऊपर में तो लिख लीजिए, पार्टली पेड ऑफ शेयर को पहले फुल्ली पेड करना है, पेड अप करना है, फिर रिडीम करना है, ठीक है। रिडेम्पशन करना होगा तो उस टाइम में हम लोग उसके बाद रिडीम करेंगे। तो ये चीज आप लोग को लिख लेना, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे दे रखो इक्विटी शेयर ऑफ, जो यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, जो 1 करोड़ का यहाँ पे दे रखो 100 लाख, मतलब 1 करोड़ का हो गया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा, फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दे रखा जिसे हम लोग बोनस इशू के लिए ही यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, फिर जनरल रिजर्व दे रखा और उसके बाद हम लोग के पास बैंक का बैलेंस दे रखा जो 15 लाख का दे रखा है। आगे हम लोग के पास बोला ऑन द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 को रिडीम हुआ एट अ प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम, तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर जो भी था उसे प्रीमियम पे रिडीम करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 एट अ 110 per share। तो यहाँ पे कंपनी जो है राइट इशू भी कर रहे हैं जो यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर है और जिसका प्राइस जो होने वाला है 110 करके, ठीक है। ₹20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, जिसमें से 20 जो है, जो 110 यहाँ पे बैलेंस दे रखा है जिसमें 20 जो है एप्लीकेशन के टाइम में पेमेंट होगा। फिर बाकी 35 जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पे प्रीमियम कितना हो गया इंक्लूड, तो देखिए 35 है और यहाँ पे जो प्राइस था शेयर का वो कितना हो गया था 110 और फेस वैल्यू जो है वो कितना है 100 है। तो इस केस में यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा शेयर कैपिटल के बदले और 10 क्या हो जाएगा प्रीमियम के बदले, जो मिलेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा अलॉटमेंट में, ठीक है। एंड द बैलेंस बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2023, मतलब बाद में कभी बाद में मिलने वाला है जो भी बैलेंस होगा अमाउंट, जो 110 में से 20 माइनस करने के बाद और 25 माइनस करने के बाद और 10 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट होगा वो बाद में 2023 में मिलने वाला, ठीक है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, तो जो भी इशू हुआ था वो फुली सब्सक्राइब था। अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2022, तो यहाँ पे अलॉटमेंट कब किया गया, तो 1 मार्च को, मतलब रिडेम्पशन से एक रिडेम्पशन जो था वो कब था, तो रिडेम्पशन था 31 मार्च को और यहाँ 1 मार्च को ही अलॉटमेंट किया गया, ठीक है। द मनी ड्यू टू द अलॉटमेंट वे आर ड्यूली रिसीव्ड बाय 31 मार्च, तो 31 मार्च को सारा अमाउंट रिसीव हो चुका था। द प्रिफ्रेंस शेयर वे रिडीम आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 51 ऑफ कंपनी एक्ट 2023, तो यहाँ पे कब सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के बाद ही यहाँ पे प्रिफ्रेंस शेयर को इशू किया जा सकता है। तो ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सम्स में हम लोग के पास क्या क्या गिवन है, तो सम्स में हम लोग के पास सबसे पहला जो गिवन था वो था प्रेफरेंस शेयर जो पार्टली पेड अप था, तो उसे हम लोग पहले फुली पेड अप करेंगे। तो ये चीज़ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग जो पार्टली प्रेफरेंस शेयर है उसे हम लोग फुली पेड अप करेंगे। उसके बाद जो प्रीमियम से जो भी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा उसे यहाँ पे हम लोग को रिडीम करना है, जो 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, ठीक है। और ये इसके पर्पज़ के लिए, जो रिडीम करने का पर्पज़ के लिए हम लोग को 50,000 इक्विटी शेयर को इशू करना है जो 110 का होगा, जिसमें से 20 जो है एप्लीकेशन में पैसा आ जाएगा और 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम हो जाएगा, मतलब 25 कैपिटल के बदले और यहाँ पर 10 प्रीमियम के बदले ये अलॉटमेंट में आएगा और अलॉटमेंट का पैसा 31 मार्च को रिसीव हो चुका है और हम लोग को यहाँ पर जर्नटी बनाना है और उसके बाद हम लोग को एक्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट भी सम्स में बनानी है। चलिए हम लोग एंट्री करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे कॉपी में 9th नंबर इलस्ट्रेशन में, एक एक चीज़ हम लोग समझ के एंट्री करेंगे। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें सबसे पहले हम लोग फुल्ली पेड अप शेयर करना है प्रेफरेंस शेयर को, तो चलिए हम लोग मांगते हैं पैसा। तो यहाँ पे 8% प्रेफरेंस शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा होता है प्रिफरेंस शेयर 50,000, और यहाँ पे 70 पेड अप था, तो 30 हम लोग को कॉल करना है, तो 50,000 इंटू ये आ जाएगा 30, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 50,000 इंटू 30, तो ये आ गया हम लोग के पास 15 लाख। तो 15 लाख हम लोग को पैसा मंगवाना है, और ये पैसा आ भी चुका है 30, जो भी डेट दे रखा था हम लोग के पास 31 मार्च को, और आप लोग को डेट को डेट के साथ प्लस में जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, ये सब सब कुछ आप लोग को फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है, बस मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया कॉल करने का, उसके बाद कॉल करने के बाद हम लोग के पास पैसा आ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट जो आ जाएगा 15 लाख का। क्रेडिट किसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल को, ये हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, ये आ गया हम लोग के पास 15 लाख का, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट टू एंट्री हो गया, जो पार्टली पेडअप था प्रेफरेंस शेयर, उसे हम लोग फुली पेडअप किया, ठीक है। अब थर्ड वाले एंट्री में हम लोग क्या करने वाले, तो थर्ड वाले एंट्री में हम लोग जो इक्विटी शेयर इशू किया गया था उसके बदले एप्लीकेशन के बदले पैसा आया था, तो जब एप्लीकेशन के टाइम में पैसा आता तो हम लोग क्या एंट्री बनाते थे, 12th में बनाते थे, फाउंडेशन में बनाते थे, तो क्या बनाते थे हम लोग एंट्री, तो बैंक में पहले पैसा आ जाता था, तो बैंक में अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिसमें कितना पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन के टाइम में 20 पेबल है, तो 50,000 इंटू 20 इसे हम लोग डेबिट कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 50,000 इंटू 20 करने से ये आ गया हम लोग के पास 10 लाख का, तो बैंक में हम लोग डेबिट कर दे 10 लाख का। टू क्या करने वाले हैं, तो टू यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो कितने का हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा। फिर हम लोग फोर्थ वाले एंट्री में क्या करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो 10 लाख से, टू हम लोग क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल जो कितने से हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास 10 लाख से हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर एंट्री पे हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री बनाएंगे, तो अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगेंगे, तो चलिए हम लोग लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले हम लोग पहले पैसा मांगेंगे, जो कितना मांगे, तो 50,000 इक्विटी, ये था हम लोग के पास शेयर था, और एक शेयर पे जो पैसा आ रहा था अलॉटमेंट के टाइम में वो 35 आ रहा था, जिसमें प्रीमियम था 10 था प्रीमियम, तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल के बदले था वो कितना था, तो ₹25 था, तो 25 करके हम लोग कैपिटल के बदले मांगेंगे, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के बदले मांगेंगे ₹10 करके, तो यहाँ पे 50,000 इंटू 10 आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, इस केस में हम लोग के पास आ गया 5 लाख, और ये आ जाएगा 50,000 इंटू 25, तो ये आ गया 12,50,000, ये आ गया 17,50,000 का हम लोग के पास शेयर अलॉटमेंट आ गया, और उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू हम लोग ऐड कर दे सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिक्स्थ नंबर एंट्री में हम लोग चलते हैं, तो सिक्स नंबर एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, पैसा आएगा तो पहले बैंक में आ जाएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग कितना से, 17,50,000 आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो आ जाएगा 17,50,000 से, तो ये हम लोग के पास आ चुका है। अब ये तो हम लोग के पास सिक्स नंबर एंट्री हो चुका है, पहला हम लोग एंट्री कर चुके थे, जो भी पार्टली पेडअप था उसे हम लोग फुली पेडअप किए, उसके बाद जो भी हम लोग के पास शेयर अलॉटमेंट में आया, उसके बाद हम लोग के पास जो भी एप्लीकेशन आया था, उसके बाद अलॉटमेंट में आया था, ये हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो ये हो गया हम लोग के पास। अब रिडीम करने का हम लोग एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे सातवें नंबर एंट्री में आ जाइए, रिडेम्पशन के लिए हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर जो रिडीम हो रहा है वो 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, प्रेफरेंस जो है वो 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले जो प्रीमियम वो जो हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट कितना जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है 50,000, और एक शेयर जो कितना हो गया, तो 70 प्लस में 30 मतलब 100 का हो चुका है, 50,000 इंटू 100 ये कितना हो जाता है, तो 50,000 इंटू 100 अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग के पास आ गया 50 लाख, तो 50 लाख से हम लोग इसे डेबिट कर देंगे, प्रीमियम ही था 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसे भी हम लोग डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट हो जाएगा प्रीमियम में, तो देखिए 50,000 हमके पास था ₹100 करके, और इसमें 5% प्रीमियम था, तो इसका 5%, तो 50 लाख का 5% कितना हो गया, तो 2,50,000, तो 2,50,000 हम लोग के पास आ जाएगा प्रीमियम के बदले, टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 50 लाख, तो इसके बदले प्लस में 2 लाख प्रीमियम के बदले, तो यहाँ पे आ गया 52,50,000।
जो हम लोग को पेमेंट करना है। तो चलिए हम लोग एट्थ नंबर एंट्री में पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने का हम लोग एंट्री क्या हो जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट जो 52,50,000, और इसे पेमेंट कर देंगे तो हम लोग बैंक से पेमेंट करेंगे तो टू क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो ये इसमें बैंक में कितना आ जाएगा, तो 52,50,000 ये आ गया। तो हम लोग ये भी कर चुके हैं। अब हम लोग नाइन्थ वाले एंट्री में क्या करेंगे, जो प्रीमियम का जो पैसा था उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो कितना हो जाएगा 2,50,000, और यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 2,50,000 का। फिर लास्ट वाला हम लोग टेंथ नंबर एंट्री में क्या करेंगे, तो सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। सीआरआर में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 CRR, और इसमें जो ट्रांसफर हम लोग करेंगे वो कितना करेंगे तो ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ कितना था जिसे हम लोग रिडीम किए, तो फेस वैल्यू हम लोग के पास था 50,00,000 का। प्रेफरेंस शेयर का जो फेस वैल्यू था वो कितना था, 50,00,000 का, जिसे हम लोग रिडीम करें इस वाले एंट्री में, देख लीजिए सेवन्थ नंबर एंट्री में। अब फ्रेश इशू हम लोग कितना किए इसके पर्पस के लिए, तो हम लोग फ्रेश इशू जो किए तो सबसे पहले हम लोग 1,00,000 का किए हैं, फ्रेश इशू आ चुका है, और उसके बाद हम लोग के पास 12,50,000 का आ चुका है। तो यहाँ पे चलिए इस दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं 10,00,000, फिर 12,50,000 को हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 3,00,000 ही था ना, 1,00,000 तो नहीं था ना, 20 करेंगे तो हम लोग के पास 10,00,000 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50,00,000 में से हम लोग माइनस अगर कर देंगे 10,00,000 को, फिर माइनस करेंगे 12.5 को, तो हम लोग के पास आ जाएगा 27,50,000। ये 27,50,000 हम लोग के पास सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। डेबिट क्या करना है, तो डेबिट या तो जनरल लेजर कर सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर सकते हैं, जो भी दे रखा होता है हम लोग इसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर 27,50,000 को हम लोग डेबिट करें जनरल लेजर को, और क्रेडिट करें हम लोग सीआरआर को। और इसी के साथ हम लोग का 10वां एंट्री जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट आप लोग को मैं बुक में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। और जनरेटिव भी देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है। पहला एंट्री यहाँ पे था शेयर कैपिटल का जो फुली पेडअप करने का, फिर सेकेंड नंबर यहाँ पे यही था, इस दोनों को कैंसिल करके के, फिर ये दोनों हम लोग के पास एप्लीकेशन पे, ये दोनों हम लोग के पास अलॉटमेंट का आ गया था, ये हम लोग के पास सीआरआर का एंट्री हो गया था जो आप लोग को नहीं भूलना है, ये रिडेम्पशन का हो गया दोनों, और तीसरा जो मतलब था वो ट्रांसफर करने का हो चुका। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में दे रखा हुआ था ना, क्या जनरल रिजर्व दे रखा हुआ था, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दे रखा हुआ था, तो आप लोग को जनरल रिजर्व दे रखा हुआ, तो हम लोग को जनरल रिजर्व ही ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे चलिए ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नंबर ना लिख करके यहाँ पे आप लोग को लिखना है जनरल रिजर्व, ठीक है, क्योंकि सम्स में सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व दे रखा हुआ था। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था तो उस टाइम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को लिख सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ठीक कर लीजिए। अब आगे देख लीजिए आप लोग, ये हम लोग का जनरल ये हो गया था। अब बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में यहाँ पे देख लीजिए, एक तो सबसे पहले हम लोग के पास देखा जो 2011 का जो पहले का देखा था, और ये अभी का जो हम लोग के पास रिडेम्पशन करने के बाद, तो ये देखा हुआ। तो देखिए पहले हम लोग के पास कैपिटल कितने का था, तो पहले हम लोग के पास कैपिटल था 100,00,000 का देखा हुआ था, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, और 35,00,000 का जो हम लोग के पास था वो गया था प्रेफरेंस शेयर। तो दोनों मिला के कितना हो गया, तो 135,00,000। तो पहले का कैपिटल हम लोग के पास आ गया 135,00,000 का कैपिटल हम लोग के पास पहले से आ चुका है, ठीक है। अब इस 135,00,000 में से हम लोग पहले रिडीम कर चुके हैं और कुछ इशू भी किए हैं, तो यहाँ पे 135 में से हम लोग रिडीम कर चुके थे 50,00,000 का, 50,00,000 का हम लोग रिडीम कर चुके हैं, तो हम लोग माइनस कर देंगे 50,00,000 का। और यहाँ पे इशू कितना किए थे हम लोग, इशू किए थे हम लोग 10,00,000 प्लस में 10,00,000 प्लस कितना था यार, 10,00,000 था प्लस में 12,50,000, तो यहाँ पे प्लस 10,00,000 करेंगे प्लस में 12.5 लाख करेंगे, मतलब 12,50,000। तो ये हम लोग के पास आ गया 107। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ये देख लीजिए आप लोग, ये तो 100,00,000 था पहले से एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पे भी 100,00,000 था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, और पहले था 35,00,000, तो इसे रिडीम करके अब यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 100,00,000 था पहले से, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेश इशू जो किया गया है, तो उसमें कितना पैसा आया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हम लोग के पास आ गया 22,50,000। ये कैसे आया, तो पहले से हम लोग के पास आ चुका था एप्लीकेशन पे आया था 20 का, और हम लोग के पास जो था देखिए 50,000 इशू हुआ था ना इक्विटी शेयर, जिसमें एप्लीकेशन पे आया था 20 रुपीज़ का, और जो हम लोग के पास अलॉटमेंट था उसमें 25 का आया था जो कैपिटल के बदले, और 10 प्रीमियम का था, तो प्रीमियम तो हम लोग को यहाँ लेना नहीं है, तो हम लोग के पास 20 प्लस में 25, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 22,50,000। तो ये हम लोग के पास इक्विटी शेयर कैपिटल का आ गया। इसके बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पहले से हम लोग के पास 20,00,000 का बैलेंस दे रखा हुआ था, ये है ना, पहले से हम लोग के पास 20,00,000 का बैलेंस दे रखा हुआ था, जनरल रिजर्व का 50,00,000, और यहाँ पे बैंक अकाउंट 15,00,000 का दे रखा हुआ था, और सिक्योरिटी प्रीमियम 5,00,000 का। तो ये चीज़ पहले से जो दे रखा हुआ था वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 20,00,000, 5,00,000, और यहाँ पे जनरल रिजर्व जो 50,00,000 का। तो ये हो गया। अब
सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग के पास कितना का आ चुका है एक्स्ट्रा, तो हम लोग जनरलिटी से यहाँ पे देख लीजिए, तो जनरलिटी से हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो आ चुका है वो कितने का, ये एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम लोग के पास आ चुका है वो कितना 5 लाख आ चुका है, तो हम लोग का 5 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया 10 लाख, तो ये समझ रहे हो तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल रिडम्पशन ने पहले से 20 लाख का था और अभी जो क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, तो ये क्रिएट हुआ 27 लाख का, 27 लाख 50,000 को, जब हम लोग 27 लाख को 20 को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 47 50, और हम लोग के पास जनरल जब था 50 लाख का जिसमें से हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं कितना, तो 25 2 लाख 50,000 यूज यूज किए और उसके बाद 27 लाख 50,000, तो यहाँ पे 27 50,000 प्लस में 2 लाख 50,000 यूज किए तो हम लोग 30 लाख यूज कर चुके हैं, तो 50 में से 30 यूज किए तो हम लोग के पास कितना बचा 20 लाख का, और बैंक बैलेंस हम लोग के पास पहले 15 लाख का था और अभी जो हम लोग के पास बैंक बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले से हम लोग के पास था 15 लाख, अब इस 15 लाख में हम लोग के पास जो शेयर इशू करने के बाद पैसा आया वो कितना आया था, एक बार तो सबसे पहले कॉल अप करने के बाद 15 लाख आया, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 15 लाख का, फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे 15 लाख का हो गया, उसके बाद हम लोग के पास 10 लाख आया था एप्लीकेशन के बदले, और यहाँ पे अलॉटमेंट के बदले जो आया था वो कितना था 17 लाख 50,000, 17.5 आया था, जिसमें से हम लोग पेमेंट किए थे, पेमेंट किए थे हम लोग कितना 22 लाख 52 लाख एंड 50,000, 52 50,000, तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 52 50,000, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा 15 प्लस में 15 प्लस 10 प्लस 17.5, इसमें से माइनस करेंगे 52.5, तो हम लोग के पास जो बैलेंस बचा बैंक में वो बचा सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का, तो आप लोग को इसी तरह से एग्जाम में भी एक्सट्रैक्ट फॉर्म बोलेगा, तो आप लोग को लिख करके आना है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी जिसमें शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल रिजर्व एसेट प्लस फिर एसेट साइड में करेंट एसेट, तो मैंने आप लोग को एक एक आइटम करके बता दिया, तो इसी तरह से एग्जाम में भी लिख करके आना है। और इसी के साथ हम लोग का जो इलस्ट्रेशन नंबर था 9 वो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10।